गाड़ी आ रही है अपनी स्कॉर्पियो एन अंदर, क्योंकि भाई अभी इस पर चेक करेंगे अपना डेमो अपनी वीडियो लगा के। अरे भाई आप डिफरेंस चेकआउट कर सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ की शाइन में और इधर की शाइन में, भाई बहुत ज्यादा अंतर है। तो और अब हमारे भाई को चुल उठ रही है कि भाई अक्षत भाई गाड़ी एक बार फंसानी है, पीछे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, लो भाई मार गए टायर स्लिप। तो राम राम भाई सारे, ने उम्मीद करता सब बढ़िया होंगे, तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। सो गाइस आज की स्टार्टिंग हुई है भाई हमारी स्कॉर्पियो एन से, जो कि है Z6। भाई सब कब ली थी आपने गाड़ी? बाय द वे भाई ये गाड़ी के ओनर हैं सौरभ शर्मा पंडित जी हमारे हैं जी। भाई फरवरी में ली थी गाड़ी, फरवरी में ली थी हमारे भाई ने गाड़ी। और अभी हमारा प्लान तो भाई कुछ ऐसा था कि अपन चल रहे हैं ऑफ रोडिंग करने। भाई ये 4x2 वाला वेरिएंट है, क्योंकि Z6 में ना 4x4 आती नहीं है, सिर्फ अपनी Z8 में आती है और अपनी Z4 में आती है 4x4। तो ऑफ रोडिंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे बट कोई जगह मिली नहीं। अरे भैया सोच रहे थे किसी के खेत में उतारते, पर भैया उससे भी क्या फायदा, किसी के खेत का नुकसान हो जाए, फसल का नुकसान हो जाए। तो हमने इसलिए भाई खेत वेत में नहीं उतारी गाड़ी किसी के भी। और फिर हमारा प्लान बन गया, अब हम जा रहे हैं अपने भाई के यहाँ डिटेलिंग माफिया पे। वहाँ पे जाके अपने को पता करना है PPF के बारे में, भाई क्या है, भाई सोच रहा है कि स्कॉर्पियन पे PPF कराने की, क्योंकि अभी तक इस पे PPF नहीं हुई और काफी टाइम हो चुका है गाड़ी को आए हुए। और भाई तुम्हें पता है ब्लैक गाड़ी के लिए PPF कितनी जरूरी चीज होती है, अगर ब्लैक गाड़ी ले रहे हो ना तो भाई PPF तो आपको करानी ही करानी पड़ेगी, जिससे गाड़ी शाइन मारती है। और अभी हम आए पेट्रोल पंप की तरफ अपने और भाइयों को पिक करने, तो उनसे उन्हें उठा लेते भाई फिर चलते हैं। तो भाई फिलहाल मैं गाड़ी से नीचे आ चुका हूं और कंडीशन देख सकते हो भाई, बच्चे में खुदाई थी, मतलब कीचड़ था लिटिल लिटिल, तो उसमें भाई कैसी हो रही है और आगे फ्लैशर वगैरह लग रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो में, और एक नंबर लुक आ रही है भाई साहब गाड़ी की। और नंबर देखो UP 15 मेरठ की गाड़ी है, देख लो भाई क्या बोनट वोनट तक खींच आ चुकी है। भाई ये बताओ ये तुमने क्या करा है भाई? ऑफ रोडिंग करने की कोशिश की, गई हुई नहीं ऑफ रोडिंग भाई। अब एक पलेड़ा वाला एक रास्ता जा रहा है, हम उस पर जाएंगे भाई, वीडियो दिखाएंगे वहाँ भी हम करेंगे, वहाँ इतना पानी की इच्छा है, नगर निगम हमारे पार्षद जी है उनके करा काम दिखाएंगे। भाई साहब ये इस वीडियो में सारी पोल खोलना चाह रहे भाई, पोल नहीं खोला करते सारी, नहीं पोल खोलना चाहिए भाई, मैं राजनीति बंदा समाज सेवी बंदा हूँ तो खोलनी चाहिए। सही भाई देखो सही बात है भैया, रियलिटी बतानी चाहिए, रियलिटी बतानी चाहिए। बाकी भाई बीजेपी का झंडा लग रहा गाड़ी पे, और अभी चलते हैं फटाफट। भाई ये जो Z6 है ना स्कॉर्पियन Z6, ये फरवरी में ली हुई है और अब आ चुका है Z8 सेलेक्ट। तो ओनर साहब Z8 सेलेक्ट के बारे में कुछ दो शब्द। भाई मेरे गैल ना मोए मोए हो गया भाई, मैंने जो एक महीने बाद निकाल दिया, मैंने लिए 14 फरवरी को मैंने गाड़ी ली है, 19 फरवरी को आया Z8 सेलेक्ट। भाई सब मतलब जिन्होंने Z6 लिए ना उन मतलब Z6 के वालों की ऐसी हमारी, मतलब जो जो Z6 वाले Z8 में कराते हैं, मैंने जो 1 लाख की मोटिवेशन इसमें Z8 में मतलब Z6 में कराई, वो सारे Z8 सेलेक्ट में दे रहे हैं, वो Z8 सेलेक्ट में दे रहे हैं। अबे पहले दे देते यार, या तो ऐसा है कंपनी देखो देख के सीखती है, वो हम जैसे लोगों ने बताया होगा जी और दे दो। हाँ सही बात है भाई, सही बात आने वाले लोगों को तो फायदा हो गया, पर मारी ऐसी हो गई, अब हमें अफसोस होता है भाई। ये है Z6 के ओनर जिन्हें अफसोस हो रहा है, पर भाई महिंद्रा ने चलो ठीक है अब Z8 सेलेक्ट निकाल दी तो निकाल ली थी, लेकिन जिन्होंने Z6 अब तक भी लिया ना भाई, जिनकी बुकिंग भी लगी हुई थी और उसके बाद भी ये Z8 सेलेक्ट आ चुकी है, उनके साथ तो भाई बहुत तगड़ा स्कैम और धोखा ही हुआ है भाई। स्कैम और धोखा पे भाई Z8 सेलेक्ट मिल नहीं रही है, वही तो भाई Z8 सेलेक्ट मिल नहीं रही क्योंकि उसमें बुकिंग बहुत तगड़ी चल रही है भाई, वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम Z8 सेलेक्ट ले रहे हो उससे सही Z8 ले लो, Z8 ले लो, ज्यादा डिफरेंस है Z6 में तो Z8 से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वही तो वही तो। और प्लस 4x4 भी, और ये देखो कुछ इलीगल काम भैया अपने मेरठ के, भैया इलीगल हैं, दिक्कत नहीं हम इलीगल काम कर देंगे, सही बात है, हमें काम वही पसंद है जिसकी सरकारी इजाजत नहीं थी। ओपो क्या कहने भाई साहब, चलो तो फटाफट पहले लोकेशन में पहुंचते हैं। सो गाइस फिलहाल हम सब आ चुके हैं स्कॉर्पियन Z6 को लेके द डिटेलिंग माफिया पे, अपने भाई का ही है नितिन राणा भाई का, तो अभी अंदर चलते हैं उनसे बात करनी है इस गाड़ी की PPF के बारे में, इस पे PPF करानी, तो बात बात करते हैं अंदर चलते हैं। गाइस फिलहाल हम अपने भाई के साथ आके अंदर बैठ चुके हैं और ये रहा ऑफिस द डिटेलिंग माफिया का, और नितिन भैया भी हैं नहीं यार, वो बाहर गए हुए हैं, बाकी मेरी और भाई की बात हो चुकी है, भैया ने रेट वगैरह मेरे को PPF के बता दिए हैं, और मतलब जो भी अपना वो कर लेंगे आपसे भाईचारे में, तो मतलब हो जाएगा रेट वेट का कुछ ऐसा नहीं है। बाकी अभी भाई बैठा है, भाई देखना डेमो देखना चाह रहे हो ना, मतलब एक बार ये डेमो देखना चाह रहे हैं कि मतलब जो अभी कंडीशन है गाड़ी की कितना फर्क आता है, मतलब डेमो में पता चल जाएगा कि फिर उस हिसाब से गाड़ी 3 साल या 5 साल के जैसा प्लान बनता है उस हिसाब से देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो भाई फिलहाल गाड़ी आ रही है अपनी स्कॉर्पियो एन अंदर, क्योंकि भाई अभी इस पर चेक करेंगे अपना डेमो, अपनी PPF लगा के ले रहा भाई, आदमी PPF ले रहा तो इस पर भी डेमो चेक करेंगे। बाकी गाड़ी अंदर आ रही है और ये देखो इनका ये आउटलेट है, मैंने कई बार दिखा रखा मेरे पिछले वीडियो में भी, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा अगर किसी ने नहीं देखी तो, यहाँ पे चेक करो ये गाड़ी अपनी अंदर आ रही है, फ्लैशर्स हो, मज़ा आ रहा है देख के।
तो मेन फर्क भाई यहाँ चेक कर लो, ये कितना मतलब रफ रफ एरिया हो रहा है, और ये तो नॉर्मल डैम हुई है, मतलब अभी ज्यादा इस पर रबिंग वगैरह क्लिंग वगैरह हुई नहीं है और नॉर्मल है, मतलब इसमें ना आप डिफरेंस चेकआउट कर सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ की शाइन में और इधर की शाइन में, भाई बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये चीज होती है भाई जो पीपीएफ आपको प्रोवाइड करती है ब्लैक गाड़ी पे। हम निकल चुके हैं डिटेलिंग माफिया से घर की तरफ वापस, और भाई डेमो देख लिया तुमने? हाँ ब्रदर, कैसा लगा डेमो? बढ़िया लगा भाई, ये तो नॉर्मल डेमो ही था, तो डेमो मतलब बढ़िया ठीक है, बढ़िया फिनिशिंग है, बाकी अभी जो विचार बन रहा है भाई का देखते हैं क्या करते हैं। तो भाई क्या विचार बना रहे हो फिलहाल? ब्रदर करवानी तो है ही, एक बार डिटेलिंग डेविल कोर देख ले, डिटेलिंग माफिया था भाई, ये डिटेलिंग माफिया था, और मेरठ में मतलब बच्चा जेल के पास वहाँ पे डिटेलिंग डेविल्स और है, मतलब भाई अलग अलग होते हैं, डिटेलिंग बोल, डिटेलिंग डेविल्स, डिटेलिंग माफिया, अलग अलग फ्रेंचाइजीज होती हैं। तो देखते हैं अभी डिटेलिंग डेविल्स का भी देखेंगे वो क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ कितने की बता दें। मैं एक बार स्कॉर्पियो के लिए पूछ के आया था 80,000 रुपए 85, तो भाई वहाँ भी इतने ही रेट बताए थे उस भाई ने भी स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए S11 के लिए। भाई फिलहाल अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पे हमको करना है स्कॉर्पियो Z6 का ओनरशिप रिव्यू शूट, तो हमारे भाई से ओनरशिप रिव्यू लेंगे। भाई सब तैयार ओनरशिप रिव्यू के लिए? यस ब्रदर। शायद तो नहीं हो रहे बिल्कुल भी? नहीं नहीं भाई के लिए हमेशा तैयार। और एक चीज और होता भाई, जो थार अर्माडा नई थार 4x4 5 डोर उसके ऊपर क्या कहना, लीक्स तो देखो आ चुके हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे उसे लेके आज वाली थार से? स्कॉर्पियो ले ली अब तो उसके बारे में सोचे नहीं, हाँ लेकिन आज वाली थार से कहीं ज्यादा बेटर है भाई। अगर वो आती तो मैं एक बार को ट्राई करता हूँ लेने, क्योंकि मतलब थार मैंने इसलिए नहीं ली फोर डोर की वजह से। और भाई मतलब फैमिली वाइज बेसिकली एक चीज और है, जो इस स्कॉर्पियो एन में इंजन है ना 2200 cc 175 bhp, भाई सब सेम इंजन थार अर्माडा में आ रहा है डीजल में, मतलब पावर तो भाई गाड़ी की बहुत तगड़ी पावर होने वाली है नई वाली थार की स्कॉर्पियो, मतलब इसको ये जो स्कॉर्पियो एन है ना जिसमें फिलहाल अभी हम बैठे हैं, जिसे हम चला रहे हैं, उसी के प्लेटफॉर्म पे वो थार बनी हुई है। मतलब भाई सब जब वो मार्केट में आएगी ना, जो उसकी मतलब रिवील डेट है जो रिवील करी जा रही, मतलब ये है कि 15 अगस्त 2024 तक महिंद्रा उस गाड़ी को अनवील कर देगा, बट अभी लॉन्च नहीं करेगा। लॉन्च जब करेगा, मतलब देखो अनऑफिशियल बुकिंग तो भाई उसकी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने डीलरशिप पे पता करता, अनऑफिशियल बुकिंग भाई चल रही है उसकी, ऑफिशियल बुकिंग अभी कंपनी की तरफ से शुरू नहीं हुई है। गाइस हमने ओनरशिप रिव्यू वगैरह शूट कर लिया इस स्कॉर्पियन Z6 का, और अब हमारे भाई को चुल उठ रही है कि भाई अक्षत भाई गाड़ी एक बार फंसानी है। मैं कह रहा हूँ भाई रहन दो, अगर फंस गई खैर कोई नहीं, सामने बुलेरो खड़ी है उससे रिकवर करा लेंगे। तो हमारे भाई पीछे लेके जाए जा रहे हैं भाई, और लाओ लाओ पीछे लाओ लाओ, चलो आ जाओ, अरे लाओ तुम पीछे लाओ। हमारे भाई को तो अभी से ही डर लग रहा है भाई फंस ना जाए, लाओ भाई तुम पीछे लाओ भाई, वजन गाड़ी में बहुत फंस जाएगी भाई, तुम लाओ ना जब हम कह रहे हैं, तुम आओ तुम पीछे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। लो भाई मार गए टायर स्लिप, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी भाई सब स्लिप काट गए स्कॉर्पियो के टायर। ले आओ भाई, क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई भाई, तुम कैसे घबरा रहे हो? अभी वो घबरा रहे हैं, हमारे पास दूसरी गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं, नहीं बुलेरो से रिकवरी कराएंगे ना भाई, तुम टेंशन की ले रहे हो, हम पूरा रिव्यू तो देख ले भाई हैं। तो भाई अभी यहाँ पे मतलब मुआयना कर रहे हैं जमीन का, टेढ़ी हो गई है भाई। तो भाई ये ले रहे हैं मजे, ये भाई ये डर रहे हैं भाई सब कि हमारी गाड़ी वाड़ी ना फंस जाए। यहाँ पे देख लो भाई हमारी रील शूट हो रही है, भाई हमारा रील शूट कर रहा है, अब देखना चलो। ओफो मट्टी में टायर घुमा रहे हैं भाई साहब, अरे तेरे की ओ भाई, मतलब फुल अपना देखना भाई, सॉरी मट्टी खोद दी यहाँ पे, और अभी मैं लेकर आऊंगा इसे बैग में, तुम्हारा भाई देखना तुम्हारा भाई कैसे चलाता, हमारे भाई लिटिल लिटिल थोड़ा सा डर रहे हैं। अरे ऐसे मत लेके जाओ, गाड़ी धस जाएगी भाई। ए नहीं भाई धस तो नहीं रही, पावर तो गाड़ी में पूरी, ऐसे थोड़ी भाई, हल्का नाम थोड़ी है स्कॉर्पियो है ना भैया, स्कॉर्पियो है नहीं कह दें। ये देखो भाई क्या लुक आ रही है गाड़ी की, बाकी इधर ही घुमाए जा रहे हैं हम, और अभी मैं घुमाऊंगा अच्छे से, तुम टेंशन मत लो गाड़ी को। आ चुके हैं तो भाई अब मैं निकालूंगा, भाई हमारे लिटिल लिटिल डर रहे थे, हम तो स्कॉर्पियो क्लासिक से काट देते हैं जबकि 130 bhp 3 का NM टॉर्क है भाई, इससे भी डर रहे हैं हमारे। अब देखते हैं क्या रहता है अपना। तो अक्षत भैया चल चुके हैं अपना, एक मिनट रुक, SOS चल जगह SOS।
सो अक्षत भैया कह रहे हैं कि अभी मज़ा नहीं आया, दोबारा चलते हैं एक बार और करते हैं। सो दोबारा आ रहे हैं बैग लेकर। ये देखिए पूरा यहाँ पर मिट्टी मिट्टी कर चुके हैं। अभी हमने गाड़ी वापस मोड़ ली है यहाँ से। असल में रीज़न क्या था, देखो गाड़ी ले आने को तो मैं और भी आगे ले जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, निकल भी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं यार मन में ना 1% वहम रहता कि अगर फंस गई तो कैसे निकालेंगे। और अभी हमारे पास कुछ ऐसा टो स्ट्रैप वगैरह भी नहीं है, टो स्ट्रैप वगैरह रस्सी वगैरह भी नहीं है, तो फिलहाल अभी इतना ही था जो था। बाकी ना प्रॉपर एक दिन रखते हैं भाई ऑफ रोडिंग का, डिसाइड करते हैं जहाँ पर अपनी थार भी होगी, स्कॉर्पियन भी होगी और अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक भी होगी। प्रॉपर भाई एक दिन ना ऑफ रोडिंग का रखते हैं। नहीं भाई भाई अब तो पसीना आ गया गर्मी, देख लो कितनी भाई गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है। तो हमने वैसे लिटिल लिटिल से अपने फन के लिए करी थी, पर प्रॉपर एक दिन रखते हैं जहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन और थार और फॉर्च्यूनर हो पाएगी तो फॉर्च्यूनर भी मंगाएंगे, प्रॉपर ऑफ रोडिंग करेंगे। भाई आराम से हल्का हाथ रख के क्यों डरा रहे हो भाई हमको, हैं भाई ऐसे मत करो यार, तुम हल्का हाथ रख के चला लो गाड़ी का। तो बाकी भाई मजे आ गए, पर पसीना भी भाई सब पूरा आ गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कल तो मौसम बढ़िया क्योंकि बारिश पड़ी थी। सो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ वापस घर और तुम मेरा पेट देख सकते हो, पेट पे भी भाई काम चल रहा है, जिम चल रहा है, तो हमारी तोंद कम हो गई पहले से, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं। और जी अभी अपन ऑफ रोडिंग करके आए थे, ऐसी कुछ खास कर नहीं पाए, बाकी एक दिन का प्लान कर रहे हैं जिस दिन ऑफ रोडिंग करें। प्रॉपर 4-5 गाड़ी बुलेरो नियन स्कॉर्पियन स्कॉर्पियो क्लासिक थार फॉर्च्यूनर सारी गाड़ी रहेंगी, तो देखते हैं अब किस दिन का प्लान बनता है हमारा ऑफ रोडिंग करने का। बाकी ये ब्लॉग था यहीं तक, ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। तो मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में, किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय श्री राम।